हिमाचल के हमीरपुर और शिमला में सीबीआई की रेड के बाद चर्चाओं का माहौल गर्म है। हमीरपुर जिला के एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर पिछले एक सप्ताह से ड्यूटी से गायब है। दरअसल हमीरपुर जिला में भी सरकारी क्षेत्र में कार्यरत एक डॉक्टर के घर सीबीआई की टीम के छापामारी की खबर सामने आई है। ये डॉक्टर भोरंज क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि सुजानपुर में एक सरकारी संस्थान में सेवाएं दे रहा था। आपको बता दें कि देश भर में 91 संस्थानों में पिछले दिन सीबीआई ने ये रेड की थी। हमीरपुर जिला में जब संबंधित डॉक्टर के घर टीम पहुंची तो ये वहां से भी गायब था और पिछले एक सप्ताह से ड्यूटी पर भी नहीं आ रहा था। बता दें कि डॉक्टर पिछले 23 दिसंबर से ही फरार हो गया था। हालांकि 23 और 24 को डॉक्टर ने बकायदा छुट्टी ली थी, लेकिन इसके बाद ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किया। विभाग की तरफ से इससे डॉक्टर को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। 28 दिसंबर को एक बार फिर डॉक्टर को नोटिस जारी किया गया। गौरतलब है कि सीबीआई ने देश भर के साथ ही हिमाचल के भी दो जिलों में वीरवार को रेड की थी। एमसीआई की शिकायत के बाद सीबीआई ने विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के पंजीकरण में कथित अनियमितताओं के मामले में ये रेड की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर डॉक्टर आर के अग्निहोत्री बोले, सीबीआई रेड की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला में सुजानपुर में तैनात एक डॉक्टर जरूर पिछले एक सप्ताह से ड्यूटी से गायब है। दो दिन की छुट्टी खत्म होने के बाद ये डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं लौटा है और इसे नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। दो दिन के भीतर जवाब न आने पर सर्विस रूल के तहत डॉक्टर पर कार्रवाई की जाएगी। सूचना नहीं आई है, हमने बीएमओ सुजानपुर से बात की है, अभी आज भी उन्होंने कहा है कि एक है तो वो छुट्टी पे गए थे 23-24 को, उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। तो उसी आधार पर जो है वो एक्सप्लेनेशन कॉल कर दी गई है 28 तारीख को कि आप दो दिन के अंदर ज्वाइन करें, नहीं तो आपके ऊपर एज पर जो सर्विस कंडक्ट रूल है उसी हिसाब से जो एक्शन लिया जाएगा। कहाँ रेड हुई है, क्या इंक्वायरी चली है, इसकी हमें कोई खबर नहीं है। ये जरूर है कि वो पिछले एक हफ्ते से जो एब्सेंट है डॉक्टर ड्यूटी पर, और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है कॉल कर दी गई है। लेकिन कई बार पता नहीं किस लेवल पे क्या हुआ है, अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते कि फर्जी है या नहीं है। ये तो इंक्वायरी की रिपोर्ट जब तक पूरी नहीं आती इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते।